हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे रेमेडियल वर्कबुक क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट 22 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 23 का सॉल्यूशन। यहाँ हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है मॉडल, मूव्स, यूज। ठीक है, तो यहाँ मॉडल के अकॉर्डिंग हमें कौन से टेंस में यूज़ किया जाता है उन मॉडल्स को यहाँ लिखा हुआ है। जैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले मॉडल है कैन, जिसका अर्थ होता है सकना। मूव्स होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल। इन चीज़ों में यूज़ होता है कैन का। यूज़ कहाँ होता है, कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में। कैन का ही पास्ट वर्जन हो जाता है कुड, जो सेम थिंग एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल आदि पर डिपेंड करता है। ये यूज़ होता है पास्ट टेंस के लिए। नेक्स्ट है कैन नॉट, जो कि नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, पावरलेस, इनकैपेबिलिटी, इनएबिलिटी। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है मे, जो कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी होती है, प्रॉबेबिलिटी होती है, प्रिडिक्शन होता है, गैस होता है, गैस करते हैं ना हम, जैसे मे बी, फॉर्मल, परमिशन, ब्लेसिंग्स, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, बोलते हैं ऐसे, विश यू मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे, यू मे गुड ईयर्स। ठीक है, इस तरह से जो हम विश करते हैं इसके लिए भी मे का यूज़ होता है। कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में। मस्ट, जो कि ऑबिलाइजेशन, कंपल्शन, नेसेसिटी, सर्टेनिटी, एसेंशियलिटी, डिटर्मिनेशन। तो यहाँ जब सर्टेनिटी मतलब आवश्यकता मस्ती रहती है, मतलब जैसे हम सोच नहीं सकते कि मे का यूज़ जहाँ नहीं होता है ना, वहाँ मस्त का यूज़ होता है। मे का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए कि हो सकता है, बट मस्त का यूज़ होता है होना ही चाहिए। ठीक है, यू मस्ट कम हियर, ठीक है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो हम जब बोलते हैं ना इस तरह से, तो मस्त का यूज़ करते हैं, जिसे प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं। हैव टू, जो कि कंपल्शन के लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। मस्ट नॉट, प्रोहिबिशन के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। नीड और नॉट, लैक ऑफ नेसेसिटी, लैक ऑफ यूजफुलनेस, ठीक है, जब यूज़ करते हैं नीड या नॉट का, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है इनका। तो ये था, इस तरह से हमने देखा कि कौन से टेंस में कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है उस मॉडल का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगेन हमें यहाँ टेबल दे रखी है, जैसे मॉडल है शैल। शैल का यूज़ होता है प्रॉमिस के लिए, ऑफर, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, कमांड, जो कि फ्यूचर टेंस में होता है। विल शैल का यूज़ हमेशा याद रखिएगा कि फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, विल, प्रॉमिस, ऑफर, डिटर्मिनेशन, डिसीजन, विलिंगनेस, सिंपल रिक्वेस्ट, तो विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में। विल नॉट, अगेन नेगेटिव मूड के लिए यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में। वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं जो हम किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में, पास्ट टेंस के लिए वुड का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए, प्रेफरेंस के लिए, चॉइस होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, वुड नॉट का यूज़ करते हैं पास्ट हैपनिंग इन नेगेटिव मूड, नेगेटिव मूड के लिए यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। माइट, परमिशन विद हेजिटेशन, हेजिटेशन होती है ना जब हम किसी से परमिशन लेते हैं बट हमें पता नहीं होता कि वो परमिशन देगा या नहीं देगा, तब हम माइट का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी, परमिशन, गैस, इसके लिए क्या करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में मे का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइट नॉट, अगेन नेगेटिव मूड, पास्ट टेंस। शुड, एडवाइस, ड्यूटी, सजेशन, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑबलाइजेशन, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है शुड का। ठीक है, जब हम किसी को बोलते हैं यू शुड बी डू, यू तुम्हें चाहिए, चाहिए का अर्थ होता है शुड, ठीक है, चाहना, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं शुड का। शुड नॉट का नेगेटिव मूड, प्रेजेंट टेंस। यूज टू, पास्ट हैबिट टू शो इन प्रेजेंट, पास्ट हैबिट जो आपकी शो करती है प्रेजेंट में भी, उसके लिए यूज टू का यूज़ करते हैं। रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, रिपीट एक्शन जो होते हैं पास्ट में उसमें यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में यूज टू का पास्ट टेंस में। और टू, मॉरल ऑबलाइजेशन, एडवाइस के लिए प्रेजेंट टेंस में। ठीक है,
और लास्ट है डेड या नॉट, टू शो लैक ऑफ करेज, ठीक है, धैर्य की कमी के लिए यूज़ करते हैं डेयर, मतलब जो धैर्य होता है उससे रिलेट करता है डेयर, यू नॉट डेयर, मतलब अपन किसी बोलते डेयर, चलो डेयर करते हैं, डेयर है तुम में इतनी हिम्मत है, मतलब इस तरह से जब बोला जाता है तो डेयर का यूज़ करा जाता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज़ होता है डेयर का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल वर्ब्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, हमें यहाँ ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सूटेबल जो मॉडल वर्ब है उनका यूज़ करना है सेंटेंसेस में। फर्स्ट है ब्लैंक आई डिस्टर्ब यू सर, परमिशन, अब यहाँ परमिशन ले रहे हैं, सर से ले रहे हैं, तो आपको ये पता नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे, आपको अभी कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ कैन का यूज़ करते हैं अगर कन्फ्यूज़न होता है, बट आप अगर किसी से हम्बल रिक्वेस्ट के लिए पूछ रहे हैं और कोई आपसे बड़ा है, सर है, या आप किसी के रूम में एंट्री कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मे आई डिस्टर्ब यू सर, ठीक है, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया सर, तो आप पोलाइटली बोल रहे हैं ना इसमें, तो इसमें परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। सेकेंड है वॉक केयरफुली यू ब्लैंक नॉट स्टेप ऑन आर्ट्स, मॉरलिटी, मॉरलिटी के लिए यूज़ करते हैं शुड, यहाँ पे मॉरलिटी बताई गई है कि केयरफुली चलो, ध्यानपूर्वक चलो, तुम आर्ट्स जो है आर्ट्स के ऊपर स्टेप नहीं रखना चाहिए तुम्हें, मतलब अपने अब तुम्हें आर्ट्स के ऊपर नहीं चलना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ मॉरलिटी का यूज़ हो रहा है, आर्ट्स को बचाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ चाहिए का यूज़ करेंगे शुड के लिए, ठीक है, यू शुड नॉट स्टेप ऑन आर्ट्स, तुम्हें नहीं चलना चाहिए आर्ट्स पर, चीटी, आर्ट्स यानी चीटी। थर्ड है बीइंग अ वॉचमैन यू ब्लैंक कीप अ वॉक ऑन ड्यूटी, नेसेसिटी, नेसेसिटी के लिए हमेशा यूज़ करते हैं मस्ट का, क्योंकि एक वॉचमैन है बीइंग अ वॉचमैन, तो यू आपको मस्ट हो जाता है, मतलब आपको करना ही चाहिए क्या अपनी ड्यूटी जाग करके, ठीक है, तो यहाँ मस्ट का यूज़ होगा क्योंकि नेसेसिटी है, होना ही चाहिए, ठीक है। फोर्थ है आई थॉट इट ब्लैंक रेन दैट इवनिंग सो आई कैंसिल द प्रोग्राम, पास्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए मैंने सोचा कि कैंसिल कर देना चाहिए मुझे प्रोग्राम, रेन हो रही है, ठीक है, तो यहाँ यूज़ करेंगे माइट का, इट माइट रेन दैट इवनिंग सो आई कैंसिल द प्रोग्राम, पास्ट पॉसिबिलिटी है, माइट का यूज़ कर दिया। फिफ्थ है वी ब्लैंक ओबे अवर पेरेंट्स, मॉरल ड्यूटी है, हमें हमारी पेरेंट्स की आज्ञा की पालन करने ही चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे शुड, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। नेक्स्ट सिक्स्थ है ही ब्लैंक लिफ्ट दिस बॉक्स एज ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, कैपेसिटी, ठीक है, तो कैपेसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं कैन का, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, वह बहुत स्ट्रॉन्ग मैन है तो वो आसानी से इसे उठा सकता है, ठीक है, बॉक्स को उठा सकता है, सकने के लिए कैन का यूज़ करेंगे। सेवन है इंडियन सोल्जर्स ब्लैंक फेस द एनिमी कंपल्शन, ठीक है, तो यहाँ कंपल्शन के लिए हमने पहले पढ़ा था हैव टू का यूज़ होता है, इंडियन सोल्जर्स हैव टू फेस द एनिमी, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स को फेस करना होता है एनिमीज को, तो यहाँ कंपल्शन है तो यहाँ यूज़ करेंगे हमेशा हैव टू का। एट्थ है शी ब्लैंक बिकम एन इंजीनियर, डिटर्मिनेशन है तो शी विल बिकम एन इंजीनियर। नाइन्थ है आई ब्लैंक हेल्प यू योर सिस्टर इन हर वर्क, प्रॉमिस, तो यहाँ प्रॉमिस के लिए यूज़ करेंगे आई विल हेल्प योर सिस्टर इन हर वर्क, मैं जरूर डेफिनेटली तुम्हारा सिस्टर का हेल्प करूँगा उसके वर्क में, ठीक है। टेंथ है यू ब्लैंक रेस्पेक्ट योर टीचर्स, ड्यूटी है तुम्हारी तुम्हें करना ही चाहिए टीचर्स की रेस्पेक्ट, तो यहाँ शुड का यूज़ होगा, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। इलेवेंथ है ई ब्लैंक डू दी वर्क इजीली, एबिलिटी है कैन का यूज़ करेंगे, ही कैन डू दी वर्क इजीली, वह कर सकता है वर्क को इजीली। 12 है यू ब्लैंक रेस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें ड्यूटी अपनी करनी चाहिए, रेस्पेक्ट शुड आ जाएगा, ठीक है, करनी चाहिए। नेक्स्ट है यू कैन गो टू लाइब्रेरी टूडे, अलाउड है, ठीक है, अलाउड के लिए होता है यूज़ कैन का, यू कैन गो टू लाइब्रेरी टूडे, आज तुम जा सकते हो लाइब्रेरी, अलाउ कर दिया है, ठीक है, तो सकने के लिए कैन का यूज़ कर देंगे, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है।
14 है शी ब्लैंक क्लाइम द ट्री व्हेन शी वॉज यंग. अब यहाँ पे पास्ट एबिलिटी है, पास्ट में बोला गया है सेंटेंस शी वॉज यंग, वह यंग थी इसलिए वह चढ़ सकती थी ट्री पे, पेड़ पर. तो यहाँ सकती थी पास्ट टेंस के लिए यूज करेंगे कुड का पास्ट एबिलिटी के लिए. शी कुड क्लाइम द ट्री व्हेन शी वॉज यंग, जब वह यंग थी तो वह चढ़ सकती थी. और लास्ट है रिपोर्ट ब्लैंक बी ट्रू, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी है यहाँ, तो यहाँ माइट लिख देंगे. रिपोर्ट माइट बी ट्रू, हो सकती है ट्रू. ठीक है, तो इस तरह से ये था जो मॉडल वर्ब्स का यूज करते हुए हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल. अब हमें यहाँ एक पिक्चर भी दे रखी है जिससे रिलेट हमें कुछ सेंटेंसेस भी गिवन है, तो हमें क्या करना है एप्रोप्रिएट मॉडल का यूज करते हुए इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ठीक है, डायलॉग बोले गए हैं यहाँ, जैसे बॉय टू शॉपकीपर, बॉय एक शॉपकीपर से बोल रहा है गुड मॉर्निंग अंकल, शॉपकीपर गुड मॉर्निंग, शॉपकीपर हाउ ब्लैंक आई हेल्प यू, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. तो यहाँ क्या हो जाएगा, मे हाउ मे आई हेल्प यू, हम्बल रिक्वेस्ट के लिए हमेशा मे का यूज करते हैं. बॉय ब्लैंक यू शो मी स्पोर्ट्स शूज, तो यहाँ कैन का यूज करेंगे, कैन यू शो मी स्पोर्ट्स शूज. शॉपकीपर ब्लैंक आई मेजर योर फूड, मे आई मेजर योर फूड, परमिशन ले रहा है तो यहाँ मे का यूज करेंगे. बॉय ब्लैंक यू शो मी इन वाइट कलर, कैन यू शो मी इन वाइट कलर, क्या तुम दिखा सकते हो मुझे वाइट कलर में. ठीक है, पजन की बात हो रही है तो यहाँ कैन का यूज हो रहा है. शॉपकीपर हियर दिस आर यू ब्लैंक बाय दिस पेयर एज इट इज चीप एंड बेस्ट, ये है तुम्हें ये लेना चाहिए, तुम्हें ये खरीद लेना चाहिए क्योंकि ये चीप ही, सस्ता भी है और बेस्ट भी है. तो यहाँ शुड का यूज करेंगे. ठीक है, यू शुड बाय दिस पेयर एज इट इज चीप एंड बेस्ट. बॉय पैक दिस पेयर, शॉपकीपर पे मी 600 rupees. बॉय हियर इट इज, ये रहे. शॉपकीपर थैंक यू, विजिट अगेन. ठीक है, तो इस तरह से ये था कंप्लीट सॉल्यूशन वर्कशीट नंबर 23 का, जिसमें हमने देखा मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना और कहाँ कौन सी मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है ये सीखा है. इससे आगे और भी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.